हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। कल से जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, एक छोटा बच्चा जिसे स्कूल में उसके जो साथी थे, बच्चा फ्यूचर में जाके क्या क्या करेगा, क्या सोचेगा, टीचर का जो इन बच्चों को पढ़ा रही थी, वो बयान सबने सुना। बड़ा ही शर्मनाक था और पूरे देश ने उसकी निंदा की। आज हम दिल्ली से चलकर उस ऐसा बच्चे थोड़ा से ही होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हेलो, ठीक ठाक हो? सब खैरियत से होगे उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, आज हम जो वीडियो आपके लिए लाए हैं, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। ये वीडियो जो वायरल हो रही है बच्चे की, ये मुजफ्फरनगर के एक गांव की वीडियो है और इनके टीचर ने इनके साथ में बहुत गलत व्यवहार किया है। बच्चे की ज़बानी हम पूरे वीडियो को सुनता है, बच्चा खुद बता रहा है उसके साथ में घटना कैसे घटी है और क्या हुआ है। ये वीडियो को देखकर आपको पता लगेगा। वीडियो को एंड तक देखना है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, तो आप वीडियो देखिए। उस गांव में पहुंचे हैं मिलने के लिए। मुजफ्फरनगर का ये गांव है हुब्बापुर, तो यहाँ पर हम इस बच्चे से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, बेटा क्या नाम है आपका, पहले अपना नाम बताएं। अल्तमस। अल्तमस, अल्तमस, अल्तमस कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? एलकेजी। एलकेजी, एलकेजी में? जी। कल क्या हुआ था क्लास में? कल बजवाया था मेरे। अच्छा, आपकी पिटाई क्यों लगवाई थी बच्चे से? होमवर्क नहीं कर कर दिया था जी। अच्छा, होमवर्क नहीं किया था तो दूसरे बच्चों से पिटाई कराई? हाँ जी। कितने बच्चों ने थप्पड़ मारे आपको? सोने जी। सोने। सोने तकरीबन? हाँ जी, 100 बच्चों ने। अच्छा, यानी पूरी क्लास से पिटाई कराई गई? हाँ जी। और उसके अलावा और बच्चों से भी पिटाई कराई? हाँ। दूसरी क्लास के बच्चों से? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपने, मैडम ने किसी को रोका नहीं, उन्होंने पिटाई कराई? नहीं जी। होमवर्क नहीं करने पर मैडम ने कुछ शब्द कहे थे, आप वो दोहरा सकते हैं क्या? 100 बच्चों से पिटाई कराई कहते जी। मोमडन बच्चों को मामा के ले जाओ, जो हमें तो करवाओ वो भी भूल जा। अच्छा, मोमडन बच्चों को मामा के यहाँ ले जाते हैं? जोर से बोल बेटा। अच्छा जी। अच्छा बेटा, आपकी टीचर का बिहेव कैसा है, मतलब किस तरह का व्यवहार करते हैं आपके साथ में, जैसे मोहब्बत से बात करते हैं या फिर गुस्से में? ध्यान से देखो दोस्तों वीडियो को, ध्यान से। कभी प्यार से बात नहीं की? नहीं। किस तरह से आपको प्यार से नहीं समझाया कि होमवर्क किया करो, घर पे सबको सलाम दुआ क्या करो, ऐसी कुछ बातें की? नहीं। क्या कह के बात करते हैं आपसे? बात वो तो नहीं करते हुए। अच्छा, आप नर्सरी से ही स्कूल में पढ़ रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो क्या हुआ, आज फिर स्कूल नहीं गए आप? नहीं। क्यों, नाम कटवाया आपने? हाँ जी मैंने। अच्छा, क्यों नाम कटवाया, क्या वजह है इसके पीछे? वजह है जी वो। अच्छा, वो गंदा आपके साथ व्यवहार किया इसलिए? हाँ जी। आपको कोई बच्चों के साथ ऐसा होता है? अपने घर पे ठीक ठाक है? किसी ने आपको कोई डराया धमकाया तो नहीं? नहीं जी। अच्छा, लोग मिलने आ रहे हैं आपसे, कुछ क्या कह रहे हैं आपको? कुछ नहीं जी। कुछ नहीं। अच्छा, बट क्या चाहते हैं आप फिर, आप कोई कार्रवाई? छोटे मासूम बच्चों को बजाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, कुछ ऐसा कुछ आप बताएंगे? अच्छा, आप आगे आ जाएं। इनके फादर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि इनकी भी वीडियो वायरल हुई थी, उसमें कुछ समझौता, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ की बातें सामने आई हैं। क्या नाम है आपका? इरशाद। इरशाद भाई, ये बताएं कल की घटना को आप किस तरह से देखते हैं, क्या हुआ जब आपने ये सारी चीज़ें सुनी? बस जी, बच्चे की वीडियो देख कर तो देखो गुस्सा भी आया और सारी कुछ हुई। फिर क्या हुआ जब आपने ये वीडियो देखी, क्या हुआ फिर? हम मैडम के पास गए वीडियो ले कर। अच्छा, से सुनना दोस्तों वीडियो को। मैडम तो बोल रही कि यहाँ तो ऐसे ही चलता है, ये रूल है स्कूल का। अच्छा, मतलब मारपीट होगी, ये रूल बनाया हुआ है जी, मारना पीटना जी। तो फिर आपने क्या किया? फिर ये वीडियो वायरल करी हमने। अच्छा, ये वीडियो किसने बनाई थी? वीडियो नदीम ने बनाई थी। नदीम आपका कोई भतीजा? भतीजा। अच्छा, जो कुछ काम कार्य के लिए पहुंचा था वहाँ। वीडियो बना दी फिर उसने जी। अभी कुछ उनके पर कोई एक्शन? बताओ दोस्तों, आपने कोई पुलिस में कोई एफआईआर दर्ज वगैरह कराई? हाँ, रात एफआईआर हुई। अच्छा, नाम दर्ज एफआईआर जो तो आज स्कूल बंद हुआ या मैडम पढ़ा रही है? कह नहीं सकते जी हम तो इस बात का। क्या चाहते हैं आप, अभी जो बच्चे के साथ हुआ क्या चाहते हैं? हम तो ये चाह जैसा हमारे बच्चे के साथ हो, आगे किसी और बच्चे के साथ ना हो। अच्छा, किसी और बच्चे के साथ इतना जलील और इतनी पिटाई नहीं होनी चाहिए जी। तो अभी फिर बच्चे का क्या, आपने तो नाम कटवा दिया। हाँ, आगे इसकी एजुकेशन का कैसे करेंगे? देखेंगे जी, करेंगे। अब तक तो इसकी फीस जमा करी, ड्रेस लाए, कोर्स लाए, अब
अब दोबारा करना पड़ेगा किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन, देखेंगे क्या होगा। दूसरे स्कूल में एडमिशन करना, तो यहाँ पर भी काफ़ी खर्चा हुआ होगा आपका। जी क्या करते हैं? खेती करते हैं, किसान आदमी है। किसान, अब बच्चे का एक अच्छा भविष्य सोचा होगा, पढ़ लिख के कुछ बनेगा। जी लेकिन जिस मानसिकता के साथ ये चीज़ें सामने आई हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? दिल परेशान है, दुखी है, कुछ कहेंगे? है जी, बहुत ज़्यादा। क्या कहना चाहते हैं बताओ, क्या लगता है? मजदूर आदमी है, कैसे कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे की तरफ से दुखी है जी। बच्चे की तरफ से दुखी है जी। कोई दबाव प्रशासन किसी तरह? ना, कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं। तो अभी दूसरे स्कूल में एडमिशन कराना चाहते जी। अच्छा बेटा, क्या सपना है आपका, क्या बनोगे? ऑफिसर। ऑफिसर बनना है? ऑफिसर बन के देश की सेवा करनी है? अच्छा, तो ऑफिसर बनने में तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, आप करेंगे? अच्छा, इधर देख के बताएं, आप मेहनत करेंगे? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे और सभी देशवासियों से, कुछ मन में है आपके कहने के लिए? तो ये सुभान अल्लाह, देखो बच्चे का कितना अच्छा सपना है। इन्होंने कहा कि जैसे ही इस घटना की जानकारी उन्हें मिली, ये वहाँ पर पहुँचे, मैडम से बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ तो यही रूल है, बच्चे के हौसले बुलंद है, पिटाई लगाई जाएगी। लेकिन पिटाई के नाम पे 100 से ज़्यादा बच्चों ने थप्पड़ मारे हैं इस मासूम से बच्चे के ऊपर, और फिर जो शब्द आपने सुने वो सब जानते ही हैं। तो हम यहाँ पहुँचे थे, इनसे बात की, बहुत सारे और शख्स और लोग हैं इस गाँव के, उनसे भी बात करेंगे, और जो यहाँ के कुछ अच्छे खासे लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो जहर पनप रहा है अंदर ही अंदर, ये क्यों हुआ, क्या इसका कारण है, जो एक मासूम पर इसका असर देखने को मिला। हम इस गांव में मौजूद हैं, तमाम और लोगों से आपका सामना कराएंगे। तब तक आप हिंदोज देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, देखा आपने इस बच्चे की ज़बानी, आपने सारी बात सुनी है, देखो बच्चे के साथ कितना जुल्म हुआ है, और ऐसा नहीं करना चाहिए टीचरों को। देखो बच्चे तो फूल होते हैं, बच्चों के साथ में तो बहुत प्यार से पेश आना चाहिए ताकि बच्चे फ्यूचर में जाकर कुछ बन सके, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बच्चे हिंदू के हो या मुसलमान के हो या सिख के हो या ईसाई के हो, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपने वीडियो देखी है, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है तो ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।